हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिनेमा से। सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सिनेमा क्या है? एक मीडियम है जो क्या साथ में लेके आता है? आर्ट और टेक्नोलॉजी। ओके, तो आप सभी को सिनेमा के बारे में पता ही होगा। And with the technology of motion pictures, the film industry came into being. See, motion pictures के technology से film industry जो है start हुआ. Okay? जैसे कि motion pictures में क्या क्या आ सकता है, जैसे movies हुआ या फिर television shows, video games, animations, इसको motion picture कहा जाता है. Okay? तो हमारे country में सबसे first motion picture कौन सा बना था? राउंधे गार्डन सीन, जो कि 1888 ये ईयर में बना था। ठीक है, तो फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कौन से टेक्नोलॉजी के साथ में हुई? टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स। ओके, इट गेव राइज टू द एरा ऑफ साइलेंट मूवीज। और यहाँ से जो है कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? साइलेंट मूवीज का, यानी पहले जो है डायलॉग्स नहीं होते थे, मूवीज बनते थे लेकिन मूवीज में बोला नहीं जाता था। ओके, वो मूवीज कैसे होते थे? साइलेंट। ओके, लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द एज ऑफ साउंड मूवीज बिगैन। क्योंकि पहले जो है साउंड रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। जब पहले मूवीज बना करते थे मोशन पिक्चर्स, जैसे कि हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत मोशन पिक्चर्स की टेक्नोलॉजी से हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? साइलेंट मूवी का एरा स्टार्ट हुआ। लेटर, बाद में जब हमारे कंट्री में साउंड रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो उस टाइम से कौन सा एज यानी कौन सा युग स्टार्ट हुआ? साउंड मूवी का। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो टाइप्स ऑफ मूवीज। अब हम देखेंगे मूवीज के कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे सैटिरिकल मूवीज, सैटिरिकल मूवी मतलब क्या होता है? कॉमेडी वाला जो मूवी होता है उसमें सिर्फ कॉमेडी ही भरा होता है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होता है? अ फिल्म और अ टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट्रीज या तो फिल्म बोलो या टेलीविजन या फिर कोई रेडियो प्रोग्राम, जो क्या प्रोवाइड करता है? फैक्चुअल रिपोर्ट। ओके, सही बताता है, सब फैक्चुअल रिपोर्ट बताता है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ओके, सच सामने लेके आता है डॉक्यूमेंट्रीज। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग फिल्म्स, चिल्ड्रंस फिल्म्स, मूवीज अबाउट आर्मी, एजुकेशनल मूवीज, मूवीज नरेटिंग अ स्टोरी एट्सेट्रा। तो ये टाइप्स ऑफ मूवीज हैं। नेक्स्ट, द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। सी मीन्स फर्स्ट फुल लेंथ यानी काफ़ी लंबी मूवी बनाने का, रिलीज करने का जो ऑनर है, सम्मान है, कौन से स्टेट को गया? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। महाराष्ट्र को क्या कहा गया है? एक ऐसा लैंड जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पालन किया। ओके, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय फिल्मों की जननी जो महाराष्ट्र है, वो क्या है? भारतीय फिल्मों की जननी, यानी यहाँ पे बहुत सारे मूवीज बने। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और जो फर्स्ट फुल लेंथ मूवी रिलीज करने का जो ऑनर है वो भी महाराष्ट्र को ही गया, महाराष्ट्र को ही मिला। ओके, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव, माधवराव पितले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर, ऑल्सो नोन एज सावे दादा, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। सी, ये जो नेम्स दिए गए हैं, इन्होंने इंडियन मूवीज के डेवलपमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो उसमें से कौन है ये? मदन राव, माधवराव पितले, पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर, जिनको सावे दादा भी कहा जाता है। इनका जो रोल है यानी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन मूवीज को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी इन्होंने योगदान किया। ओके, इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट, लेटर गोपाल रामचंद्र तोरणे, ऑल्सो नोन एज दादा साहेब तोरणे, एंड ए पी कारंडीकर, एस एन पाटनाकर,
VP Divekar sought help from foreign technicians and made a movie entitled Pundalik. See, बाद में बोला गया है कि गोपाल रामचंद्र तोरणे, जिनको दादा साहेब तोरणे भी कहा गया है, एंड AP कारंडीकर, SN पाटनकर, VP दिवेकर, इन्होंने फॉरेन टेक्नीशियंस के हेल्प से एक मूवी बनाई. ओके, और वो मूवी का नाम क्या था? पुंडलिक. पुंडलिक ये मूवी जो है एक हिंदू संत पुंडलिक के ऊपर बनाई गई. ओके, पुंडलिक ये जो मूवी है एक हिंदू संत पुंडलिक के ऊपर बनाई गई थी, उनके लाइफ के बारे में. ठीक है, और ये जो संत पुंडलिक ये किस पे थे? एक बेस्ड ऑन मराठी प्ले. ठीक है, ये मराठी नाटक था और उसी के बेस पे जो है संत पुंडलिक के बेस पे इन्होंने मिलके फॉरेन टेक्नीशियंस के हेल्प से मूवी बना दी. कौन सी मूवी? पुंडलिक. ओके, इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1912. और ये पुंडलिक मूवी को कब रिलीज किया गया? मुंबई में रिलीज किया गया था 1912 में. ओके, नेक्स्ट, राजा हरिश्चंद्र, अ मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड कम्प्लीटली इन इंडिया. और बाद में दादा साहेब फाल्के ने एक मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र. ओके, एंड इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1913. ये राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी ये मुंबई में रिलीज की गई कब? 1913 में. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज. इन्होंने साइलेंट मूवीज भी बनाई थी, जैसे कि मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान. ओके, सावित्री और सत्यवान की स्टोरी के बारे में कि सावित्री ने जो है अपने हस्बैंड की, सत्यवान की जो जान है कैसे यमराज से छीना था. ठीक है, इसके बारे में ये मूवी है. मोहिनी भस्मासुर, ये सब जो है ये साइलेंट मूवीज़ थी. इन्होंने जो मूवीज़ बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने, ये साइलेंट मूवीज़ थी. ओके, उस टाइम पे जो है साउंड रिकॉर्डिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था. और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए. किस पे? रॉक कट केव्स ऑफ वेरुल एंड पिलग्रिम सेंटर ऑफ नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर. ओके, लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स केम इनटू बीइंग. और फिर बाद में किसकी कौन सी परंपरा की शुरुआत हुई? ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज यानी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे मूवीज बनाना. बाद में जो है हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे मूवीज बनाने की प्रथा यानी परंपरा शुरू हुई. ओके, नेक्स्ट, यू वुड लाइक टू नो दिस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ स्पेशल डिवीजन फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज. हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक स्पेशल डिवीजन क्रिएट किया है. इट वॉज नेम्ड एज फिल्म्स डिवीजन. और उसका वो स्पेशल डिवीजन का नाम क्या रखा गया था? फिल्म्स डिवीजन. द डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज्ड बाय दिस डिवीजन यूज्ड टू बी शोन इन द सिनेमा थिएटर्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ द मेन मूवी. सी, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है यानी डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल डिवीजन क्रिएट किया था और उसका नाम क्या रखा? फिल्म्स डिवीजन. और यहाँ से फिल्म्स डिवीजन से ये डिवीजन से जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज्ड होती हैं उनको सिनेमा थिएटर्स में दिखाया जाता है. कब दिखाया जाता है? मेन मूवी की शुरुआत होने से पहले. ओके, देवर एम्ड एट क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वेरियस इश्यूज. और ये डॉक्यूमेंट्रीज मेन मूवी के पहले क्यों दिखाया जाता है लोगों को, ऑडियंस को? क्योंकि वो जो है ये डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू उनका एम क्या रहता है कि वेरियस इश्यूज पे पब्लिक अवेयरनेस करना. ओके, ताकि पब्लिक जो है वो जागरूक हो सके. गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. आप इंटरनेट के थ्रू जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, आनंद राव पेंटर, द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडिया, मेक ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज. सी, आनंद राव पेंटर ये इन्होंने सबसे पहले जो है द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन, इन्होंने सबसे पहले जो है इंडियन सिने कैमरा बनाया. ठीक है, ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज. और आनंद राव पेंटर को जो है मूवी बनाने का भी बहुत ही शौक था. ओके, इनको इंटरेस्ट था. हिज कजिन बाबूराव पेंटर, यानी ये इनके मौसेरे भाई थे बाबूराव पेंटर, आनंद राव पेंटर के मौसेरे भाई बाबूराव पेंटर, जिनको मिस्त्री भी कहा गया था, ऑल्सो नोन एज मिस्त्री, मेड शरेंद्री इन 1918. एंड ही मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सीमागढ़
विच वॉज अ साइलेंट वन. सी, जो बाबूराव पेंटर थे इन्होंने कौन सी मूवी बनाई, सेरेंद्री, कब, 1918 में. और इन्होंने हिस्टोरिकल मूवी यानी फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सीमागढ़ भी बनाई थी जो कि साइलेंट मूवी थी. ओके, ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज, इन्होंने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज भी क्रिएट किए जैसे काल्यांचा खजीना, बाजीराव प्रभु सॉरी बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी पालकर. ओके, ही ऑल्सो मेड अ मूवी ऑन ए रियलिस्टिक सोशल इश्यूज एंटाइटल्ड सावकारी पाश. ओके, इन्होंने जो है रियलिस्टिक सोशल इश्यूज पे भी मूवी बनाई, किसने, बाबूराव पेंटर ने, और वो मूवी का नाम क्या था, सावकारी पाश. ओके, इन 1925 बालाजी पेंटरकर मेड अ मूवी एंटाइटल्ड बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी जो ये मूवी 2015 में अभी मीन्स रिलीज हुई, ये मूवी बालाजी पेंडरकर ने 1925 में ही बनाया था, पर कुछ इशू हो गया था जिसके वजह से ये मूवी उस टाइम पे रिलीज नहीं हो पाई. ओके, हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेक्टेड इट टू बी अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स एंड इट वॉज बैन. सी, 1925 में बालाजी पेंडरकर ने बाजीराव मस्तानी मूवी जो है बनाई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर क्या शक किया कि ये मूवी जो है क्यों बनाई गई है, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए. ओके, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मूवी पे बैन लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट, कमलाबाई मांगरुलकर वॉज फर्स्ट वुमैन प्रोड्यूसर. सी, फिल्म इंडस्ट्री में जो है कमलाबाई मांगरुलकर ये फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर थी. शी प्रोड्यूस्ड सावल्य तांडेल एंड पन्ना दाई इन हिंदी. उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, सावल्य तांडेल और पन्ना दाई. राम शास्त्री अ मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकेम वेरी पॉपुलर. मीन्स प्रभात कंपनी जो ये फिल्म इंडस्ट्री है उसने जो है एक मूवी बनाई थी राम शास्त्री 1944 में, और ये मूवी बहुत ही पॉपुलर हुई थी. ओके, एंड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज वर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स. मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारी मूवीज बनाई गई किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल थीम्स के बेसिस पे. आचार्य आत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड विश्राम बेडेगर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वसुदेव बलवंत फड़के. ओके, आचार्य आत्रे ने मूवी बनाई किसके लाइफ के बारे में, महात्मा फुले, और जो विश्राम बेडेकर थे उन्होंने वसुदेव बालवंत फाड़के के लाइफ के बारे में मूवी बनाई थी. ओके, दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल्ड धन्य ते संताजी धनाजी. धन्य ते संताजी धनाजी का मतलब क्या होता है, धन्य थे संताजी और धनाजी. ये संताजी और धनाजी कौन थे, मराठा एम्पायर के वॉरियर यानी योद्धा थे. तो इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में मूवी किसने बनाई, दिनकर डी पाटिल ने. ओके, बाल शिवाजी द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंडेरकर ऑल्सो नीड्स अ स्पेशल मेंशन. यानी बाल शिवाजी ये मूवी किसने बनाई थी, प्रभाकर पेंडेरकर ने, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, संत तुकाराम इज अ मूवी टू हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम. ओके, संत तुकाराम जो मूवी बनी थी उसने जो है बहुत ही मतलब गर्व की बात थी क्योंकि ये इंटरनेशनली जो है मूवी रिलीज हुई. ओके, एंड इट वॉज शोन इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस. ओके, ये मूवी जो है कहाँ पे दिखाई गई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे, पेरिस में. ओके, एंड विष्णु पंत पगनीस एक्टेड एज सेंट तुकाराम इन दिस फिल्म. और सेंट तुकाराम यानी संत तुकाराम के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी तो इसमें संत तुकाराम का रोल जो है किसने प्ले किया था, विष्णुपाल पगनीस ने. ओके, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल मूवीज वर आल्सो मेड इन हिंदी. हिस्टोरिकल मूवीज जो है हिंदी में भी बनाए गए थे, हिंदी में भी मतलब हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया. एंड द हिंदी मूवीज मेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. अब हम देखेंगे कि जो हिंदी मूवीज प्री इंडिपेंडेंस यानी हमारे कंट्री को आज़ादी मिलने से पहले जो मूवीज़ बनाई गई थी वो, जैसे कि सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ एंड मुगले आज़म,
वर मेड विथ अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप. ये जितने भी मूवीज के नेम हम देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल थीम्स के बेसिस पे, ओके. लेकिन ये हिंदी मूवीज कब बनाई गई थी? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ओके. कौन सी मूवीज है? सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ और मुगले आजम. डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी. ये जो मूवी है डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, ये ट्रू स्टोरी के बेस्ड थी, ओके. ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी. एंड द मूवी इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिजर्व अ मेंशन. और ये मूवी जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे बेस्ड थी, जैसे कि आंदोलन, झांसी की रानी, ये बहुत ही मतलब क्या डिजर्व करती है? स्पेशल मेंशन, ओके. प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन एटसेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सी, ये प्रोडक्शन स्टूडियोज है जैसे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, जैसे बॉम्बे टॉकीज है, ओके, जहाँ पे फिल्म बनाई जाती है, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियोज, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, ओके. नवकेतन एटसेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ओके. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. अब हम देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, ओके. प्रोफेशन को इसमें वर्क करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल ऑफ मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ ड्रामा एंड मूवीज. यानी जिस भी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उनको फिल्म ये ड्रामा और मूवीज के फील्ड्स में बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं, ओके. जैसे फर्स्ट वन हम देखेंगे ड्रामा. इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स ऑन द स्टेज, डीप नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंसर्न पीरियड इज एसेंशियल. सी, अगर स्टेज बैकड्रॉप्स की एक्यूरेसी अचीव करना है, स्टेज पे अगर स्टेज बैकड्रॉप्स की एक्यूरेसी अचीव करना है, तो वो एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हमारे पास कंसर्न पीरियड यानी वो एंशियंट टाइम के आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ओके. कंसर्न पीरियड, जैसे अगर ड्रामा करना है तो ड्रामा में कैसा कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल, ओके, और लैंग्वेज, ये सब का ध्यान देना पड़ता है. अगर हिस्टोरिकल बेस्ड, हिस्टोरिकल थीम पे बेस्ड अगर कोई ड्रामा है तो कंसर्न पीरियड यानी एंशियंट पीरियड में, जैसे किसी किंग के बारे में ड्रामा करना है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर बताना है, उनके लाइफ के बारे में, उनके स्वराज के बारे में, तो कंसर्न पीरियड यानी उस टाइम पे, यानी मराठा एम्पायर, शिवाजी महाराज जो है, अगर शिवाजी महाराज का कोई रोल प्ले कर रहा है तो शिवाजी महाराज कैसा कॉस्ट्यूम पहनते थे, कैसी उनकी ज्वेलरी होती थी, ठीक है, तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए. वैसे ही अगर स्टेज बैकड्रॉप्स यानी कोई अगर सीन करना है एंशियंट टाइम का, जैसे अगर कहीं बैटल हो रहा है, तो बैटल अगर हो रहा है तो जिस भी प्लेस पे बैटल हुआ है तो स्टेज का डिज़ाइन जो है, आर्ट डिज़ाइन वैसा ही करना होगा. और वैसा सेम करने के लिए जो है हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके. एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर्स और कंसल्टेंट्स. कंसल्टेंट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सजेशन देना. तो ये फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल फील्ड्स में या फिर ड्रामास अगर कोई हो रहा है हिस्टोरिकल थीम्स बेस्ड, तो अगर हिस्ट्री के बारे में उनको पता है तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं तो ये वर्क कर सकते हैं इस फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में, या तो आर्ट डायरेक्टर्स के रूप में या फिर कंसल्टेंट्स, ओके, मीन्स सलाहकार, सजेशन भी दे सकते हैं आर्ट डायरेक्टर को. सेकेंड है द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज डायलॉग राइटर्स नीड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेजेस एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ए गिवन पीरियड. सी, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं यानी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो डायलॉग राइटर्स होते हैं, उनको भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स के हेल्प की ज़रूरत होती है. असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट्स के हेल्प की ज़रूरत होना. जैसे लैंग्वेजेस के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे, डायलॉग लिख रहे, तो कंसर्न पीरियड, उस पीरियड में कैसी बोली बोली जाती थी, ओके, लैंग्वेजेस कैसे होते थे,
हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ए गिवन पीरियड. ओके, नेक्स्ट सिनेमा. फर्स्ट पॉइंट, द आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ मूवीज क्रिएट द बैकड्रॉप डिजाइन ऑफ एटमोसफियर. यानी जो मूवीज के आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, बैकड्रॉप डिजाइन ऑफ एटमोसफियर. यानी कोई अगर मूवी बनानी है तो एटमोसफियर वैसा ही डिजाइन करना है, ठीक है, मीन्स वो जो स्टेज सेट करना है तो वो उसका बैकड्रॉप वैसा ही डिजाइन होना चाहिए. ओके, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल्स एट्सेट्रा सुटेबल टू द टाइम्स ऑफ द थीम ऑफ द मूवी. ओके, तो जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं जो ये बैकड्रॉप डिजाइन ऑफ एटमोसफियर क्रिएट करते हैं, उनका कैरेक्टर्स का, जो एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस होते हैं उनका जो कॉस्ट्यूम होता है, ज्वेलरी होता है, उनके मेकअप्स होते हैं, हेयर स्टाइल, ये सब सुटेबल होना चाहिए वो जो मूवी का थीम है. यानी हिस्टोरिकल बेस्ड अगर मूवी बन रही है तो उसी बेसिस पे जो है उनके कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी और मेकअप और हेयर स्टाइल होने चाहिए. ओके, एंड स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन दिस फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर्स और एज कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर. और जो हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स होते हैं, यानी जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री के बारे में उनको डीपली नॉलेज होता है, तो वो इस फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में जो है एज अ आर्ट डायरेक्टर या फिर कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर वर्क कर सकते हैं. ओके, सेकेंड, टू राइट मूवी डायलॉग्स नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसर्न पीरियड इज नेसेसरी. सी, अगर मूवी के डायलॉग्स लिखने हैं, स्क्रिप्ट लिखना है, तो कंसर्न पीरियड के, यानी कंसर्न पीरियड में जो लैंग्वेज बोला जाता था, जो भाषा बोली जाती थी, उसका नॉलेज और कल्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके, अगर कोई मूवी का डायलॉग्स लिखना है तो कल्चर का नॉलेज और कंसर्न पीरियड में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था उसका नॉलेज होना ज़रूरी है. एंड एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. और ये फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको जो है बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.